डर लग गया था मुझे, वो जो ब्लड निकालते ना वो बड़ा स्केरी होता है। प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डर्मा फेशियल्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट फॉर ब्राइडल्स। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू मस्ट बी थिंकिंग मैं कहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी टेरेस से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी क्लास आज जल्दी ओवर हो गई थी बिकॉज बच्चे नहीं आए थे, सो मैं जल्दी घर आ गई। मैंने हेयर वॉश कर लिया बिकॉज मुझे लगा धूप है, बट बिल्कुल भी धूप नहीं यार। आधे घंटे से बैठी हूँ, बाल ही नहीं सूखे हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये व्लॉग क्यों स्टार्ट किया है मैंने। आई ऑलवेज व्लॉग जब कोई रीज़न होता है, ऐसे फालतू में व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। सो आज थोड़ा सा स्पेशल डे नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ी नर्वस हूँ बिकॉज आज है 6 जनवरी और आज है मेरी फर्स्ट स्किन ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया था मैं एक क्लिनिक से ज्यूरी से पूरा मैंने पैकेज लिया हुआ है, मैंने लेजर का भी लिया हुआ है और मैंने स्किन का भी लिया था। सो जब मैं गई थी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, सो तब उन्होंने ऑब्वियसली तब मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्ने थे पस्टियूल से, जिट से। बाय द वे मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, खाली सनस्क्रीन लगा के आई हूँ। तो तब तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि मैं कोई भी तरह की ट्रीटमेंट आप पर नहीं करूँगी। आई एम सॉरी अगर शोर आ रहा हो बिकॉज छत पर बैठी तो शोर तो आएगा ही, बट या तो उन्होंने तब मना किया था कि पहले एक्ने की मेडिकेशन लो, एक्ने बंद होने चाहिए, मैं तभी कोई ट्रीटमेंट करूँगी। सो अब फाइनली मेरे एक्ने आने बंद हो गए हैं। एक दो है जो आते रहते हैं बिकॉज मेकअप भी करना होता है बीच बीच में फॉर शूट्स एंड ऑल, बाकी अदरवाइज मेरे जितने मेजर एक्ने थे वो सब बंद हो गए हैं। सो आज वो फर्स्ट ट्रीटमेंट करने वाली है। आई जस्ट टेक यू थ्रू एवरीथिंग बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि मेरी एक्ने की जर्नी कैसी रही है। सो आज मैं बताती हूँ वो कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे। आई थिंक मेजरली वो मार्क्स और स्कार्स के लिए पहले करने वाली हैं बिकॉज यही चीज़ सबसे ज़्यादा विजिबल है। सो या देखते हैं, आज मैं आपको लेकर चलूँगी ज्यूरी मेरे साथ। सो या दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी नॉलेजफुल। Hello, it's been more than 6 hours, I guess. रात के 12 बज रहे हैं, मैं बिल्कुल सोने वाली थी, फिर मुझे याद है ओ माई गॉड मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई एम अ वेरी बैड ब्लॉगर यार, मुझे ब्लॉग करना याद ही नहीं रहता। बट यार घर आकर कुछ भी ऐसा जितना कोई बर्निंग सेंसेशन, मतलब जो वो पूछ रही थी बार बार कि कुछ फील हो रहा है, मुझे उस टाइम फील नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने खुद बोला था कि हम इंटेंसिटी अभी कम रख रहे हैं बिकॉज मैं सॉट्रेट पर हूँ, आई एम ऑन ट्रेटनॉन एज वेल। दो अब मैं रेगुलरली लेती हूँ, उन्होंने खाली ट्वाइस अ वीक मुझे बोला है, बट स्टिल शी सेड अगर आप ट्रेटनॉन कंज्यूम करते हो तो लेजर की इंटेंसिटी कम रखी जाती है। सेम फॉर बॉडी लेजर, बॉडी का भी उन्होंने बोला हुआ है अपने स्टाफ को कि इनका इंटेंसिटी थोड़ी कम रखा करो। सो सेम वे जो अभी क्लियर लिफ्ट हुआ है उसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी कम रखी थी जब हो रहा था, ऑब्वियसली वो लेजर फील हो रही थी फेस पर हल्की हल्की प्रिकिंग जैसा, बट इतना कोई उस टाइम फेल नहीं हुआ। अब हल्की हल्की रेडनेस आप देख सकते हो, मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है, एकदम ठंडे पानी से मुंह धोया है बिकॉज उन्होंने बोला है कि 2 या 3 दिन तक आप गर्म पानी फेस पर नहीं यूज कर सकते। सो आई यूज सुपर चिल्ड वाटर, खाली पानी से फेस वॉश कर लिया, फिर वो जो उन्होंने क्रीम दी है वो लगाई एंड देन द मॉइस्चराइजर। आई जस्ट शो यू, ये है वो क्रीम जो मैंने जस्ट अभी लगाई है। ये सेम क्रीम हम बॉडी पर भी यूज करते हैं जब हम लेजर हेयर रिडक्शन कराते हैं ना, 3 दिन तक लगानी होती है, तो ये सेम क्रीम है। ये प्रिस्क्राइब्ड है तो प्लीज ऐसे मत लेना, मैं खाली आपको दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने बोला था मैं पूरी जर्नी शेयर करूंगी। सो दिस इज स्टेप नंबर वन। उसके बाद शी सेड कि अपना मॉइस्चराइजर जो यूज कर रहे हो वही करना, सीबीएम हाइड्राइज समथिंग जो मुझे सूट भी करता है, प्लस उन्होंने भी अप्रूव किया है शी सेड सीबीएम हाइड्राइज बेस्ट, ये आपको सूट कर रहा है तो इसी को यूज करो। तो अभी मुझे यही यूज करना है एंड दिस इज द मेडिकेटेड सनस्क्रीन जो उन्होंने लास्ट टाइम भी मुझे दी थी और अभी भी यही वाली यूज करने को बोला है। आई डोंट नो वाई माई कैमरा इज नॉट फोकसिंग बट दिस इज द वन। ये एकदम बिल्कुल पतली पानी जैसी है, लाइक द कंसिस्टेंसी इज वेरी थिंग, बहुत जल्दी वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है बेसिकली, 50 SPF है इसकी। सो ये भी मुझे यूज़ करनी
लगानी है, और अब तो मेरे को और स्पेसिफिकली बोला है रिपीट करने को, लाइक सुबह 12 बजे लगानी है, 2 बजे लगानी है, 3 बजे लगानी है. सो सन प्रोटेक्शन को एकदम मैक्स पर रखना है अपने फेस पर, और ज़्यादा बाहर नहीं जाना. सो दीज आर द 3 थिंग्स जो मुझे अभी फॉलो करनी है. The next morning. हेलो, इट्स द नेक्स्ट डे. टुडे इज 7 जनवरी. जरा आपको बिठा देते हैं यहाँ पे सो दैट हम चिट चैट कर सके. अभी एक प्रॉपर Q&A सेशन आने वाला है, बिकॉज मैंने कल स्टोरी डाली ना ये ट्रीटमेंट की, बहुत सारे DMs आए. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोगों को क्यूरियोसिटी होगी. सो बहुत सारे DMs आए, सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देयर ओनली, इससे अच्छा मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो में आंसर कर देती हूँ, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो देखे ना उनको क्लियर हो जाए इस बारे में. आई नो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको इन ट्रीटमेंट्स का नहीं पता होता. सो मैं फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ. मैंने सुबह ही Q&A डाला है तो अभी इतने ज्यादा आए नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन आए हैं, बट थोड़ा टाइम के साथ और बढ़ जाएंगे. बट आई थिंक जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना वो इनफ है, वो आप सबके डाउट्स क्लियर कर देंगे. सो सबसे पहले किसी ने पूछा है, आस्था जैन ने पूछा है, दिस ट्रीटमेंट इज फॉर एंड व्हाट इज द डाउन टाइम एज आई एम आल्सो हैविंग एक्ने स्कार्स. सो डाउन टाइम का मतलब अगर आपको नहीं पता मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. कोई भी आप जब ट्रीटमेंट कराते हो उसमें एकदम कभी कभी रेडनेस होती है, पर्जिंग होती है, एक्ने निकल आते हैं, कुछ विजिबल प्रिकिंग होती है, स्कार्स जैसा दिखता है, स्कैबिंग फील होती है. तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अपनी कोई भी ट्रीटमेंट के एक वीक तक रेस्ट करना होता है, फिर आपकी स्किन रेड होती है. तो उसको कहते हैं डाउन टाइम, कि आपकी स्किन कितना टाइम लगा रही है वापस अपनी हीलिंग स्टेज पर आने के लिए. देखो इस केस में तो मुझे कोई डाउन टाइम लग नहीं रहा, बिकॉज माय स्किन इज लाइक नॉर्मल, इतना कोई रेड भी नहीं हुई, इतनी कोई ज्यादा स्कारिंग या स्कैबिंग फील नहीं हो रही, बिकॉज क्लियर लिफ्ट जो होती है वो काफी जेंटल ट्रीटमेंट होती है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती. तो आप ये फटाफट करा के 1 या 2 दिन बाद भी अपना कोई स्पेशल ओकेजन अटेंड करना हो तो कर सकते हो. लेकिन जो फ्यूचर में होते हैं लाइक PRP मुझे उन्होंने रिकमेंड करी हुई है फॉर एक्ने स्कारिंग, पिक्सल होता है, एक पिक्सल लेजर होता है, वो भी एक्ने स्कारिंग के लिए होता है. जो मैंने कल कराया था क्लियर लिफ्ट, वो स्कारिंग पे इतना वर्क नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा वर्क करेगा विद एवरी सेशन, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा. लेकिन पिक्सल में ज्यादा अच्छा चेंज आता है. सो पिक्सल जो आप कराते हो ना उसमें डाउन टाइम की जरूरत होती है, बिकॉज उसमें स्कैबिंग होती है, माइक्रो नीडलिंग एंड ऑल होती है, और वो दिखती है जो आप कराते हो. तो उसमें जब मैं कराऊंगी फ्यूचर में, ऑब्वियसली आई अपडेट यू गाइस, सो तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक विजिबल रेस्ट चाहिए होता है स्किन को. क्लियर लिफ्ट इज फॉर बेसिकली कोलाजन प्रोडक्शन होता है, जैसे इसका नाम है क्लियर लिफ्ट, तो कहीं ना कहीं स्किन को क्लियर करने में हेल्प करती है, प्लस लिफ्ट अप लुक भी देती है. कोलाजन बूस्टिंग होती है, एंटी एजिंग होती है. ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वैसे एंटी एजिंग के केस में करी जाती है. अगर आपका भी 30s आ गया, 30+ हो, तो आप क्लियर लिफ्ट करा सकते हो. लेकिन क्लियर लिफ्ट के और भी बेनिफिट्स होते हैं, लाइक पिगमेंटेशन पे वर्क करती है, पोर्स को मिनिमाइज करती है, बिकॉज स्किन को कहीं ना कहीं टाइटन अप वाला इफेक्ट देती है. सो ओवरऑल क्लियर लिफ्ट इज अ वेरी नाइस ट्रीटमेंट अगर आप हाइड्रा फेशियल से कुछ बेटर देख रहे हो, जो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट दे आपकी स्किन पे. सो क्लियर लिफ्ट इज नाइस. किसी ने पूछा है प्राइस एंड हाउ मेनी सेशंस रिक्वायर्ड. देखो हाउ मेनी सेशन तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है, बिकॉज ये लेजर हेयर रिडक्शन की तरह तो है नहीं कि 7 सेशन का पैकेज ले लेते हैं पहले फिर बाद में देखेंगे. ये एक स्किन का कंसर्न है और सबकी एक्ने अलग होते हैं, सबके पिगमेंटेशन मार्क्स किसी के कम होते हैं, ज्यादा होते हैं. तो ये चीज तो आपको डॉक्टर ही बताएगा आपकी स्किन टाइप देख के कि आपको इतने सेशन की रिक्वायरमेंट है. काफी बार डॉक्टर आपको स्टार्टिंग में नहीं बता सकते कि अच्छा आप इतने तो ले ही लो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. वो ग्रेजुअली हर एक इंटरवल के बाद करते रहते हैं, देन दे से कि अच्छा अब इसकी नीड नहीं है या फिर अब आप ये ले लो. लाइक मुझे उन्होंने बोला आप नेक्स्ट क्लियर लिफ्ट मत लो, पिक्सल स्कार लेजर लो, वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्कारिंग है थोड़ी बहुत, तो उसको एकदम इवन टोन स्किन को एकदम लाइक स्मूथ बनाने के लिए पिक्सल ज्यादा काम आएगा. तो सेशंस मैं नहीं बता सकती, आपको डॉक्टर ही बताएगा. कंसिडरिंग द प्राइस, सो मैं बता देती हूँ मैं कहाँ से करवा रही हूँ. ये भी एक क्वेश्चन आया था आप कहाँ से करवा रहे हो, मैंने पहले ही बताया मैं जहाँ से लेजर हेयर रिडक्शन करा रही हूँ ज्यूरी विच इज इन रजौरी गार्डन, कुकरेजा हॉस्पिटल के ऊपर ही है, मैंने वहीं से ही ये वाली ट्रीटमेंट कराई है. और इसकी कॉस्ट आई थिंक उन्होंने बताई थी 6 समथिंग की थी, और उस टाइम डील चल रही थी इनके क्लिनिक पे, काफी अच्छी डील चलती रहती है. मैंने जो लेजर हेयर रिडक्शन का पैकेज भी लिया था ना वो भी एकदम अमेजिंग डील पर लिया था, वो डील तो अभी दोबारा आई नहीं है. वो लेडी मुझे जो करती है ना ये कहती है आपने सबसे बेस्ट डील में ग्राहक कर लिया. तब नवरात्रि ऑफर थी तो मैंने 40% ऑफ में पूरा बॉडी का पैकेज ले लिया था लेजर हेयर रिडक्शन का. और ये वाली ट्रीटमेंट अभी न्यू ईयर का उनका कुछ आया हुआ था 50% ऑफ में थी, तो आई थिंक आपको डिस्काउंट करके 3-3.5 आप कह सकते हो. सो डील्स डिस्काउंट चलते रहते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको क्लिनिक ही बता सकता है. सो एटलीस्ट अपना नंबर वहाँ पे ड्रॉप कर दो या फिर उनको DM कर दो. जब उनके लिस्ट में ऐड हो जाते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में, तो जब भी कोई ऑफर आता है वो अपने स्टोरीज पे डालते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है. सो इसके लिए आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा रेफरल दे देना बाय द वे. वो मुझे कहते हैं कि आप यूट्यूबर हो, आप किसी को रिकमेंड करना हो तो आप रेफरल दे दिया करो. सो डू टेक माई नेम, यू माइट गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बट दिस
इज नॉट लाइक एथलीट सॉर्ट ऑफ थिंग, इतना कुछ नहीं है मेरे साथ. प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डर्मा फेशियल्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट फॉर ब्राइडल्स. देखो ब्राइडल के लिए अगर आप ऐसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाते, आप क्या कराओगे? आप बॉडी वैक्स कराओगे, आप स्क्रबिंग फेशियल ये सब कराओगे? एंड ऑनेस्टली आई वुड से वो मत कराओ अगर एक्ने प्रोन स्किन एंड बॉडी है. फॉर एग्जाम्पल बैक पर दाने होते हैं हम सबको, और फिर लड़कियां शादी से एक हफ्ते पहले जाके बैक पर वैक्सिंग करा लेती हैं, वो दाने और बढ़ जाते हैं और ज्यादा गंदे दिखते हैं. इससे बेटर है अपनी वेडिंग से 3-4-5 आई वुड से इतना तो टाइम मंथ्स पहले लेके चलो और आप लेजर हेयर रिडक्शन करा लो, वो ज्यादा इफेक्टिव है. तो मैंने वो वाले तो देखो प्री ब्राइडल नहीं कराने वाली, बॉडी पॉलिशिंग जिसमें होती है, इसमें बॉडी वैक्स होती है, फेशियल होते हैं, स्क्रब्स वाले, मैं वो सब नहीं करा रही. मैं यही क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ही कराऊंगी और मैं जो जो कराऊंगी मैं आपको बता दूंगी. बिकॉज एवरी सिटिंग मैं जब भी लेजर हेयर रिडक्शन के लिए भी जाती हूँ ना, मैं डॉक्टर को कंसल्ट कर लेती हूँ कि अब देखो मेरी स्किन का क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए. सो वो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ रिकमेंड करती रहती है. किसी ने बोला मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल फ्रॉम डर्मैट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. देखो अफोर्डेबल का तो मेरे को पता नहीं है, कोई अमेजोन का प्रोडक्ट तो है नहीं कि मैंने ये मंगा लिया वो मंगा लिया, ये वाला ले लो ये सस्ता है ये, मतलब मैं तो देखो एक ही क्लिनिक जा रही हूँ तो मुझे एक ही क्लिनिक का पता है हिसाब. अब ऑब्वियसली आप 10-15 जगह जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने रीजन में जाके पता कर सकते हो. सो ये अफोर्डेबल वाला सीन इसमें नहीं आता. बट या बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एक्ने प्रोन पीपल, सबसे पहले जो बेस्ट ट्रीटमेंट एक्ने के लिए होती है वो यही, या तो केमिकल पील्स करते हैं, सैलिसिलिक एसिड के पील्स करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड के पील्स करते हैं. मेरे केस में वो नहीं हुआ बिकॉज मैं 2 या 3 अक्टूबर से मैं उनके पास जा रही हूं और वो जो मुझे स्किन केयर रूटीन में उन्होंने प्रोडक्ट्स दिए थे ना, उन्होंने बायोडर्मा का मुझे ग्लाइकोलिक वाला नाइट पील दिया था, मैंने फीचर भी किया है अपने मंथली फेवर्स में भी दिखाया हुआ है आपको, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड था. फिर मेरी जो और भी ट्रेटिनॉल वगैरह चल रही थी उससे मेरे एक्ने किल हो गए थे तो मुझे वो हार्श पील्स की जरूरत नहीं पड़ी. बट यस, अगर आप एकदम चाहते हो आपके एक्ने पर आप टॉपिकल वे में कुछ अप्लाई करके इफेक्ट चाहते हो, आप कुछ दवाई नहीं खाना चाहते कम टाइम में, तो आई थिंक पील्स आर गुड. आप सैलिसिलिक एसिड की पील करा सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड की पील करा सकते. फॉर एक्ने स्कारिंग जैसे कि मैंने कहा पीआरपी होती है जिसको वैम्पायर फेशियल भी बोलते हैं, विच इज लाइक वेरी स्केरी, मैं वो नहीं कराने वाली शायद बिकॉज मैंने यूट्यूब किया था और डर लग गया था मुझे, वो जो ब्लड निकालते हैं ना वो बड़ा स्केरी होता है. सो वो शायद मैं नहीं करवाने वाली. बट उससे बेटा आप पिक्सल स्कार करा सकते हो. अगेन मैंने अभी नहीं कराया तो मैं भी कॉमेंट नहीं करूंगी, जब कराऊंगी तब कॉमेंट करूंगी. फिर जो आपने पूछा है कि शादी से कितने टाइम पहले कराना चाहिए, आई वुड से अगर लेजर हेयर रिडक्शन पूरी खत्म करना चाहते हो, मेरी तो होने नहीं वाली बिकॉज मेरे भी बहुत सेशन पड़े हैं, बट अगर आप पूरी खत्म करके फिर आप शादी करना चाहते हो तो आई थिंक 6-7 महीने पहले शुरू हो जाओ अपनी शादी से. 6-7 मंथ्स पहले लेजर का तो पैकेज ले लो, फिर 3-4 मंथ्स पहले अपनी स्किन का शुरू करा दो बिकॉज इन सब में सेशंस लगते हैं. तो या दैट इज माय आंसर. ये गलती मैंने करी है कि मैंने बहुत बिल्कुल लास्ट मिनट पे आते आते चीजें करी है. सो ये गलती मत करना, थोड़ा जल्दी शुरू हो जाना. ओके सो दैट इज इट, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं लेजर हेयर रिडक्शन पे अलग से कोई वीडियो बनाऊं, लाइक प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूं कि लेजर हेयर रिडक्शन कैसे होती है क्या नहीं होती, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. अगर चाहते हो तो मैं डेफिनेटली उसका एक सेपरेट Q&A डालूंगी, मैं इस बार यूट्यूब पर भी डालूंगी बिकॉज आई नो मेरी बहुत सारी ऑडियंस है यूट्यूब की जो इंस्टाग्राम पर नहीं है. सो मैं डेफिनेटली YouTube पर भी डालूंगी और फिर मैं आपको पूरा जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर करूंगी. और इन फ्यूचर आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं डॉक्टर को थोड़ा कन्विंस करूं कि मेरे साथ जरा एक Q&A कर लो बढ़िया सा, बिकॉज मेरी ऑडियंस को भी हेल्प आउट हो जाएगी. तो मैं बहुत बाद में फ्यूचर में करूंगी, बट यार फिलहाल दैट इज इट. सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन क्लियर लिफ्ट ट्रीटमेंट. आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आई होगी. मैं ऐसी वीडियोज और बनाऊंगी आपके लिए जिसमें मैं आपको एक एक ट्रीटमेंट जो मैं ले रही हूँ मैं उसके रिगार्डिंग आपको क्लियर करती चलूँ. द मेन मोटिव ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोज इज 1, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ. 2, ये वीडियो forever YouTube पर रहेगी. सो आप कभी भी सर्च करो कशिका चौहान ट्रीटमेंट कुछ भी करके, आपको रिजल्ट में दिख जाएगी और आपको अच्छा एक गाइडेंस भी मिल जाएगी अगर आपको डर लगता है इन चीजों से तो. एंड 3, रीजन इज ऑब्वियसली माई ऑडियंस डिमांडेड इट कि ब्लॉग करो, पूरा बताओ क्या करा रहे हो. काफी बार स्टोरीज डाल के फिर स्टोरीज उड़ जाती है, हाईलाइट को चेक नहीं करता, फिर लोग दोबारा डीएम में आके पूछते हैं कि आपने वो कराया था उसके बारे में बताना. सो उससे अच्छा एक वीडियो बनकर रेडी हो जाती है, आपको सब कुछ समझ भी आ जाता है. दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो. सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को बिकॉज आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है. आई विल शेयर ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस, खाली ट्रीटमेंट्स का नहीं, कुछ भी मैं कराऊंगी ना तो मैं आपको हर चीज का एक्सपीरियंस देने वाली हूँ. Not gonna hide anything with you guys. So that is it for today's video. I'll see you next time. Also follow me on Instagram. Instagram पर मैं ये चीजें बहुत सारी share करती रहती हूँ time to time. काफी बार जो quick वाले updates होते हैं वो Insta पर ही आते हैं as compared to YouTube. तो उसके लिए आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हो. My Insta handle is kashika.chauhan. So make sure you are following me there. And yeah, that is it for today's video. I'll see you next time. Bye bye.